यूपी विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने इंडिया 24/7 से खास बातचीत में कहा कि सत्र से पहले विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इस बारे में लोकसभा स्पीकर को भी बुलाने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान विपक्ष को पूरा मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन हो चुका है। हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। दीक्षित जी, अब गठन हो गया है और अब चिंता सदन को चलाने की होगी। इस बार बड़ी संख्या में नए विधायक चुन करके आए हैं जो पहली बार सदन में पहुंचे हैं, तो उनके किस तरह का प्रशिक्षण की आवश्यकता आप समझते हैं, और क्योंकि वो भी चाहेंगे कि हमारी बात सुनी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ इस प्रश्न पर गंभीर विचार विमर्श हुआ है। हम लोगों ने तय किया है कि जब सत्र बुलाएंगे तो सत्र के पहले दो दिन सभी माननीय विधायकों को आमंत्रित करेंगे, चाहे वह नए हों चाहे वह पुराने हों, और दो दिन का प्रबोधन कार्यक्रम चलाएंगे। इस प्रबोधन कार्यक्रम में पढ़ाने के लिए विधायकों को शिक्षा देने की दृष्टि से संसदीय कार्य की हम दलीय भेदभाव नहीं करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष सहित और तमाम महानुभाव इस कार्यक्रम में रहें। 40-40 मिनट का पीरियड बनाने की योजना है, उसमें प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी जोड़ेंगे कि सदस्य जिन्हें पढ़ाया जा रहा है उनकी समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही, तो वे प्रश्न भी पूछ सकेंगे। जब भी विरोध हो सदन में तो वो शालीन शब्दों में हो, जिससे कि पूरे सदन की गरिमा पढ़े और देश भर में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से एक सकारात्मक संदेश जाए। कैमरा पर्सन अमरेंद्र के साथ मैं विवेक तिवारी, इंडिया 24/7।